अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेस्ट रिजल्ट के लिए आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं अलाइड एचएस पटवारी एसआई पुलिस कांस्टेबल एंटी क्लर्क टीजीटी टैट पंचायत साइक एचपी ऑल एग्जाम घर बैठ के आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में फुल सिलेबस कवर होगा, पीडीएफ एमसीक्यू रिटन नोट्स एवरी टॉपिक ओल्ड क्वेश्चन सेट वन लाइनर टेस्ट सीरीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली आपके टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज हफ्ते भर में जो पढ़ा होगा देन वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट इंग्लिश मैथ रीजनिंग वीडियो लेक्चर पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री हिंदी एचपीजी के मैथ इंग्लिश करंट अफेयर सब कुछ कवर होगा विद टेस्ट। फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट दिस नंबर व्हाट्सएप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, अब आपको लेक्चर के साथ साथ वीकली रोजगार समाचार भी मिलेगा। किसी भी रोजगार की जानकारी के लिए प्लेलिस्ट में एचपी जॉब्स अलार्म फोल्डर बना होगा, उसमें अब आगे आने वाले रोजगार के लिए इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। तो दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक हिमाचल प्रदेश नोटिफिकेशन जारी हुई है, सिलेक्शन प्रोसेस, फीस कहां कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट, अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी, इन सब के उत्तर आपको मिल जाएंगे। वीडियो एंड तक देखना। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए बेल आइकन के साथ। पहली जॉब की यहां पे बात करेंगे हम, ब्रांच पोस्टमास्टर की, बीबीपीएम। सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर यानी कि एबीपीएम। थर्ड यहाँ पे बात करेंगे डाक सेवक की। और दोस्तों, टीआरसीए बात करेंगे, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस की, कैसे ये वर्क करता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ, दोस्तों टाइम रिलेटेड अलाउंस की बात यानी कि टीआरसीए, ये आपको ड्यूटी आवर्स के अकॉर्डिंग मिलता है, जिसमें दोस्तों बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्टमास्टर की जॉब के लिए 4 घंटे लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 12,000 मिलेगा, लेवल 2 के अकॉर्डिंग 14,500 मिलेगा। एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर की पोस्ट के लिए 10,000 लेवल 1 में मिलेगा, लेवल 2 में 12,000 यहाँ पे आपको मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम एज की, 18 से 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा दोस्तों यहाँ पर, और ओबीसी के लिए 3 साल का, अगर कोई वीकर सेक्शन है दोस्तों तो यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। पीडब्ल्यूडी की बात करें यानी कि कोई पर्सन डिसेबल है तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूडी में ओबीसी है कोई तो 13 साल का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी में कोई डिसेबल है तो 15 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन उसको दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, 10वीं पास आप होने चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का पूरा का पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए, और दोस्तों 60 डेज कंप्यूटर क्रैश कोर्स भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि इससे ज़्यादा भी आप अगर आपके पास है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे और किस किस का आपको नॉलेज होना चाहिए, ये सारा का सारा आप पढ़ सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों नॉलेज ऑफ साइकिलिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो साइकिल चलाना आना चाहिए आपको, जिसको चलाना आती हो, ठीक है। और दोस्तों मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। अप्लाई की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो कैसे कैसे ये अप्लाई आप कर सकते हैं, इसके पूरा का पूरा आप ये क्राइटेरिया रीड कर सकते हैं दोस्तों, और कौन कौन से यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है, इसी वेबसाइट के ऊपर दोस्तों आपने अप्लाई करना है, पूरा का पूरा आप ये क्राइटेरिया रीड कर सकते हैं। 6/6/2019 से लेकर 5/7/2019 तक ये आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन आपका रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और बात हम यहाँ पे करेंगे, फ़ी पेमेंट, यहाँ पे आपकी ये फ़ी पेमेंट इस वेबसाइट के ऊपर आपकी होगी, ठीक है। 100 रुपया है आपका जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है यहाँ पे, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं और क्या क्या यहाँ पे मैंडेटरीज यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये जितनी भी पोस्टें हैं दोस्तों कहाँ कहाँ पे, इनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों ये आपके फॉर्म जो है वो 6/6/2019 से लेकर 12/7/2019 तक ये आप जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ये फॉर्म जो वो सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए कि चंबा में कोई कौन से स्थान में कहाँ जैसे कितनी पोस्ट है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट में और सैलरी कितनी रहेगी, ठीक है। आप चंबा में कौन से शहर से हैं, कौन से गांव से हैं, वहाँ पे कौन सी पोस्ट का नाम है, ठीक है, ये सारा का सारा आप रीड कर सकते हैं, और वहाँ पे उस पोस्ट ऑफिस में कितनी पोस्टें हैं और किस कैटेगरी के लिए है, ये सारा का सारा आप रीड यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सभी के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्ट है यहाँ पे है, ठीक है। अब दोस्तों लाइक कर दीजिए जल्दी से, लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।